इन सीटियों से मुझे बहुत प्यार है। अरे भाई, इस सीटी से नहीं बल्कि इस कुकर की सीटी से। वैसे बनने को तो इस कुकर में बहुत कुछ बन सकता है, लेकिन इसकी खुशबू बता रही है कि आज इसमें मेरी पसंदीदा, मेरी ही नहीं हम सबकी पसंदीदा रहर की दाल बन रही है। हमारे गांव में लोग अक्सर कहा करते हैं कि अगर आपको खाने में रहर की दाल, चावल और सब्जी मिल जाए तो समझो आपका दिन बन गया। तो आइए हम सब भी अपना दिन बनाते हैं और कुछ बात करते हैं रहर के बारे में। जी हाँ, वही रहर जिसे अरहर, तुअर, तूर और पीली दाल भी कहते हैं। हमसे रहर के विषय में पूछिएगा तो हम यही कहेंगे, दाल नहीं ये दवाई है, दवाई। अगर सच पूछे तो अगर रहर का दाल मिल जाए तो दो चार कवर हम ज़्यादा ही खा लेते हैं। भैया, हमारे घर में तो रहर का दाल सबको पसंद है, लेकिन महंगा है इसलिए कभी कभी बनाते हैं। हमको रहर का दाल खा के दमदार बनना है। रहर के दाल की यही खासियत होती है कि सब के सब इसके दीवाने होते हैं। ऐसा नहीं कि यह केवल खाने में स्वादिष्ट होती है, पर सच कहूं तो इसमें गुणों की भरमार होती है। अरहर दाल प्रोटीन और फाइबर का एक बहुत अच्छा स्रोत है। इसके अलावा ये शरीर में फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन की कमी को भी पूरा करता है। झारखंड में अरहर की खेती पारंपरिक तरीके से होती रही है, किंतु किसानों को इसका पर्याप्त उपज और लाभ नहीं मिल पा रहा था। MKSP परियोजना के अंतर्गत डिजिटल ग्रीन के सहयोग से लातेहार ब्लॉक में लगभग 600 किसानों के साथ अरहर की खेती सघनीकरण विधि से की जा रही है, जिसकी सफलता के बाद इसका विस्तार पूरे राज्य में किया जाएगा, जिससे कि हमारे किसानों को उपज, मूल्य और पोषण के स्तर पर अधिक से अधिक लाभ मिल सके। मैंने कहा था ना कि रहर में गुणों की भरमार होती है। अब इससे पहले कि रहर की विधि पूर्वक खेती कैसे की जाती है मैं आपको बताऊं, आइए पहले जान लेते हैं कि इसकी खेती में हमें किन किन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। खेत की तैयारी, बीज का चुनाव एवं उपचार, बीज या पौधों की रोपाई, कपोलों की तुड़ाई, उकठा या पौधा सूखने की बीमारी से बचाओ, फल छेदक कीड़े से बचाओ, फसल की तुड़ाई एवं भंडारण। रहर की खेती का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन लोगों को अक्सर कहते सुना है कि इसकी खेती में उपज कम होती है और फायदा कम होता है, लेकिन सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। अगर रहर की खेती उपजाऊ जमीन में और विधि पूर्वक की जाए तो इसमें उपज भी ज़्यादा होती है और दूसरे दालों से इसकी कीमत भी अधिक मिलती है। आप भी चाहते हैं रहर की खेती करना और अधिक फायदा कमाना? तो चलिए देखते हैं रहर की खेती की प्रक्रिया का पहला चरण, खेत की तैयारी। यहाँ वीडियो रोककर चर्चा करें रहर के महत्व और उसके गुणों के बारे में। दीदी, इस बार हम इसी खेत में रहर लगाने के लिए सोच रहे हैं। दीदी, ये खेत तो काफी बड़ा दिख रहा है, क्या इसी में रहर लगाइएगा? रहर तो किसी और भी जमीन में लगा सकते हैं, ये तो काफी उपजाऊ जमीन है। अरे दीदी, रहर की खेती उपजाऊ जमीन पर ही करना चाहिए। आपको पता है कि पिछले बार रहर की खेती जो लगाई थी वो अच्छी क्यों नहीं हुई? नहीं दीदी, इसलिए कि वो जमीन बंजर थी। अब आप ही बताइए, बंजर जमीन पे कोई भी फसल नहीं होती तो अरहर की भला खेती कैसे होगी? इसका मतलब दीदी, रहर की खेती उपजाऊ जमीन पर ही करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा दीदी, हमें ऐसा खेत का चुनाव करना चाहिए जहाँ थोड़ा ऊंचा हो और बरसात का पानी ना जमा हो पाए। जिस जमीन पर कंकड़ पत्थर हो और छायादार हो उस जमीन पे रहर की खेती नहीं करना चाहिए। फिर तो दीदी, ये जमीन रहर की खेती के लिए तो परफेक्ट जमीन है। यहाँ वीडियो रोककर चर्चा करें रहर की खेती के लिए
किस तरह की जमीन का चुनाव करना चाहिए। दीदी चलो चलो अब खेत की तैयारी करते हैं और दादा को बुलाते हैं। दीदी एक बात समझ में नहीं आई है, तो आपने कहा इस खेत का तैयारी करनी है तो कैसे तैयारी करें? दीदी समझ में नहीं आया? नहीं दीदी। अच्छा एक बात बताओ, कल शाम को अपने बेटे को क्यों डांट रही थी? अरे दीदी मैं तो पढ़ने के लिए ही बोल रही थी, अगर अच्छा से पढ़ाई नहीं करेगा तो कैसे पास करेगा। बिल्कुल सही बात कहा दीदी, जब हम अच्छा से तैयारी करेंगे तब तो अच्छा परिणाम आएगा। ठीक उसी तरह जब खेत की अच्छी तरह तैयारी करेंगे तब तो रहर की फसल अच्छी होगी, और फिर देखना फसल भी अच्छी होगी और कमाई भी अच्छी होगी। अब समझ गए दीदी, अब चलिए कैसी तैयारी करनी है। दीदी सबसे पहले हम इस खेत की जुताई करेंगे, उसके बाद पुराने फसल की जड़ें, खरपतवार, पत्ता, पत्थर ये सबको निकाल के फेंक देंगे। उसके बाद उस खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद और नाडेप या केचुआ खाद छिड़क के एक बार जुताई कर देते हैं। अच्छा दीदी कितना खाद छिड़कना है? देखिए दीदी एक डिसमिल जमीन पे पाँच से छः टोकरी गोबर की खाद या नाडेप लगता है। अब आपका खेत जितना बड़ा हो उसी के अनुसार खाद मिला दीजिएगा। इसको छिड़कने के बाद खेत की जुताई क्यों करते हैं दीदी? इसलिए कि खाद पूरी तरह मिट्टी में मिल जाए। उसके बाद जमीन में पाटा चलवा के खेत को समतल कर दे। हाँ जिसमें मेड़ बनाने में आसानी हो। बिल्कुल ठीक समझी दीदी, इसमें जुताई करा देते हैं और खाद छिड़क देते हैं। यहाँ वीडियो रोककर चर्चा करें, रहर की खेती के लिए खेत की तैयारी कैसे करते हैं? दीदी खेत तो काफी साफ सुथरा और बराबर दिख रहा है। हाँ दीदी हम अब मेड़ बनाएंगे और मेड़ से मेड़ की दूरी 2 मीटर होनी चाहिए, और दीदी मेड़ की ऊंचाई 6 से 7 इंच ऊंचाई होना चाहिए। मेड़ से मेड़ की दूरी 2 मीटर क्यों दीदी? इसलिए ताकि पौधे को फैलने और बढ़ने का मौका मिल सके, और दीदी साथ ही साथ पौधों को भरपूर हवा पानी और पोषण मिल सके जिससे कि अच्छी फसल हो। ठीक है दीदी। और एक बात ध्यान देना चाहिए दीदी, मेड़ को ढलान के विपरीत दिशा में बनाना चाहिए ताकि बरसात के समय पानी खेत से रुक रुक कर निकले। ठीक है दीदी, सबसे पहले उस रस्सी से एक सीधी लाइन खींच लेते हैं, फिर जल्दी जल्दी एक ही साथ मेड़ भी बन जाएगी। ठीक है चलिए मेड़ बनाते हैं। ठीक है दीदी चलिए दादा को बुलाते हैं मेड़ बनाने के लिए। ठीक है दीदी चलिए। यहाँ वीडियो रोककर चर्चा करें, मेड़ बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आने वाले हर वीडियो में रहर की एक शानदार खूबी के बारे में बताऊंगा, जो आप सबके लिए फायदेमंद होगी। जैसे दांत के दर्द की शिकायत होने पर रहर के पत्तों का काढ़ा बनाकर कुल्ला करने से दांत का दर्द खत्म हो जाता है ना कमाल की बात। सही जमीन का चुनाव और खेत की समुचित तैयारी रहर की सफल खेती की प्रक्रिया का पहला चरण है। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रहर के बीजों का चयन और उपचार कैसे करते हैं। ये रही उसकी एक झलक। खेत की तैयारी में समझौता न करने वाले बिंदु।
रहर की खेती के लिए उपजाऊ ताण या मध्यम जमीन का चुनाव करें। खेत की कम से कम दो बार अच्छे से जुताई करके खरपतवार निकाल दें। दूसरी जुताई के पहले खेत में गोबर खाद, नादेप खाद या केचुआ खाद डालें। दूसरी जुताई के बाद पाटा चलाकर खेत को समतल कर देना चाहिए। खेत में ढलान के विपरीत 2-2 मीटर की दूरी पर 6 से 7 इंच ऊंची मेड़ बना लेनी चाहिए।